हाय हेलो सलाम नमस्ते, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज का मैंने हॉल वीडियो इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये हॉल वीडियो नहीं है। और जैसा कि आप मेरा फेस देख रहे हो, मैं बिना किसी मेकअप के आप लोगों के सामने बैठी हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज एक छोटा सा मेकअप का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं मेकअप की वीडियो पहली बार शेयर कर रही हूँ मेरे चैनल पर, जो कि मैं फेयर एंड लवली क्रीम के साथ क्रिएट करने वाली हूँ। ओके, जो फेयर एंड लवली क्रीम है वो हम सब लोगों के घर में बहुत आराम से अवेलेबल होती है। हम लोगों में से लगभग मोस्टली सबके घर में ये क्रीम मिल जाती है बहुत ही आसानी से। तो चलिए अब हमारा मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए या तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हो, मैं ये यहाँ पे मेरे पास पतंजलि की है, या फिर आप बेबी क्रीम ले सकते हो कोई भी। तो मैं यहाँ पे अभी बेबी क्रीम यूज कर रही हूँ। तो मैं अपना चेहरा बिल्कुल अच्छे से धो के बैठी हूँ। तो आप भी कोई भी मेकअप लुक क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली अच्छे से आपको सबसे पहले अपना फेस क्लीन कर लेना है। तो हम ये ले लेते हैं। मैंने ये यहाँ पे थोड़ी ज्यादा आ गई है, मैंने ये यहाँ पे बेबी क्रीम ली है, इसे हम अपने फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। पूरे फेस पे लगा लेना है ऐसे। जो ये बच गया मैं एंड यूज कर लेती हूँ। ये हमारा प्राइमर की जगह पे हो गया, मैंने बेबी क्रीम यूज किया। आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो, ये आपका मॉइस्चराइज का काम भी करेगा और प्राइमर का काम भी करेगा। तो आप लोगों को दोनों में से जो भी सही लगे आप वो लगा सकते हो। जो हम ले रहे हैं हमारा मेन प्रोडक्ट फेयर एंड लवली क्रीम। इसको यहाँ पे मैंने इतना सा लिया है, इसको हम अपने पूरे फेस पे, और जो ये पूरी क्रीम है फेस पे ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहो तो ब्रश भी यूज कर सकते हो, बट मैं अपने फिंगर्स का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे आईलिड पे भी लगा लेंगे अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो, और मुझे डार्क सर्कल की तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। का फाउंडेशन की जगह पे हो गया, इसने मुझे काफी अच्छी कवरेज दी है एकदम फाउंडेशन की तरह। ये हमने अपनी क्रीम को पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट में यहाँ पे शुगर का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो, आपके पास अगर मेबलिन का है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, या कोई और है तो कोई भी यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास ये वाला है तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ शुगर ब्रांड से। तो यहाँ पे इसको स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर, इसको पूरे फेस पे से ब्लेंड कर लेंगे। और अपने नेक पे भी, ये हमारा हो गया कॉम्पैक्ट। अब नेक्स्ट में जो यूज करने वाली वो है काजल, जो कि अगेन शुगर ब्रांड से ही है। और इसी काजल से हम अपने आईब्रोज को शेप देंगे। मैं
बाकी हम अपने ऐसे फिंगर से एडजस्ट कर लेंगे। इससे अपनी आईब्रोज को ना बहुत ज्यादा मत फिल करना, नहीं तो बिल्कुल अजीब सी लगेगी, बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाएगी। तो ऐसे हल्का हल्का लगाना है और ऐसे अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसका ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे बहुत कम प्रोडक्ट्स का यूज किया है ताकि हर कोई इस लुक को क्रिएट कर सके, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ मैं जितने हो सके कम से कम प्रोडक्ट्स का यूज करूँ। जो लास्ट आइटम है वो लिपस्टिक है और ये शुगर की लिपस्टिक है, ये शुगर की मैट लिपस्टिक है। तो लास्ट हम अपनी ये लिपस्टिक यूज करेंगे। सो ये हो गया हमारा मेकअप लुक क्रिएट। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक जो कि मैंने फेयर एंड लवली के साथ क्रिएट किया है। मैंने कोई फाउंडेशन यूज नहीं किया है, मैंने कोई प्राइमर या और कुछ भी अलग से तामझाम यूज नहीं किया है। ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ फेयर एंड लवली यूज नहीं किया है क्योंकि काजल का काम तो काजल ही कर सकती है, लिपस्टिक का काम लिपस्टिक कर सकती है, बट फाउंडेशन प्राइमर और भी जो तामझाम होता है उसकी जगह पे मैंने फेयर एंड लवली यूज की है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ फेयर एंड लवली के साथ मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, और ये वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइज आप में से 90% लोग कंटिन्यूसली आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ गाइज ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मिलती हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय।